हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जो टॉपिक हमारा चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज हम रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन, साथ में कुछ और मैट्रिक्स से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, लाइक सिंबल, एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, देखो पीछे भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि आयरन जो कंटिन्यू एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है तो उसपे ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है और धीरे धीरे वो ब्राउन कलर की लेयर टूट टूट कर गिरने लग जाती है। तो वो कैसा होता है, रस्टेड आयरन होता है, यानी कि उस लोहे पे जंग लग गया। तो रस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के एक्शन से एक ब्राउनिश लेयर इज डेवलप्ड ऑन द एक्सपोज सरफेस ऑफ द आयरन। जो खुली सरफेस है आयरन की, उसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाती है। दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट। ये जो लेयर है वो क्या कहलाती है, जंग कहलाती है, रस्ट कहलाती है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये प्रोसेस कहलाता है लोहे में जंग लगना। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है कि लोहे में जंग लगेगा। तीन चीजें हैं, साल्ट ऑयल लगना जरूरी नहीं है रस्टिंग के लिए, वो मैं अलग से बता देती हूँ। साल्ट ज्यादा प्रेजेंट होगा या पानी में जैसे साल्ट प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से जो पानी वाले बड़े जहाज होते हैं, सिप होते हैं, उनपे जल्दी जंग लग जाता है, जल्दी रस्ट लग जाता है। लेकिन ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है रस्टिंग के लिए, प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसके हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। हमने क्या किया, थ्री टेस्ट ट्यूब्स लिए,
सेम साइज होंगी, छोटी बड़ी हो सकती है बोर्ड पे, अदरवाइज ये सेम साइज होंगी। इनको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। फर्स्ट वाले में हमने डाला आयरन मेल और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, साथ में इसमें ड्राई है। इसमें डाली आयरन मेल, ये वाटर, साथ में इसके ऊपर है ऑयल की लेयर भी, इतनी मोटी ये वाली। इसमें ये सिंपल वाटर, टैप वाटर, और ये यहां से एयर। अब इन तीनों को हमने क्या कर दिया, सील पैक कर दिया और की हेल्प से, यानी कि कुछ भी अंदर नहीं जाएगा वहां से। इस तरह से एक और ऐसे दो तीन दिन बाद हम इनको देखेंगे तो ए और बी वाली जो टेस्ट ट्यूब वाली आयरन नेल्स है उन पे कोई रस्ट नहीं होगा, लेकिन सी वाली जो आयरन नेल है उस पे क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। ब्राउन कलर की लेयर है वो बन जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ एयर तो मिली लेकिन वाटर नहीं मिला, यहाँ वाटर मिल रहा है, बीच में ऑयल की लेयर होने की वजह से एयर नहीं मिल रही, लेकिन इसमें दोनों चीजें मिल गई हैं, वाटर भी और एयर भी। तो सी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नेल है उसको ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी जो कि रस्ट की है। तो ये रस्टिंग का प्रोसेस है। अब इस रस्ट को ऐसे ही अगर चलता रहा तो सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, वो ज्यादा वेस्टेज होगी मनी की भी, एनर्जी की भी, बार बार कोई चीजें होती चली जाएंगी, खत्म हो जाएगा फिर मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स है वो। तो रस्टिंग को रोका कैसे जाए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, सॉरी, रस्टिंग को रोका कैसे जाए, तो इसमें कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले नंबर वन, कोटिंग एन आयरन आर्टिकल या ऑब्जेक्ट विद पेंट। आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट कर दिया जाए, पेंट करने से जो आयरन ऑब्जेक्ट है उस पे एयर और वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, एयर वाटर का उस सरफेस पे, पेंट उसके बीच में एक लेयर बना देगा, ठीक है। तो इससे रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। दूसरा, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, वाटर पाइप्स वगैरह जो होती है जिंक की, जिन पे लेयर होती है उसमें आयरन सीट को लिक्विड जिंक के अंदर डिप करने से उसपे पतली लेयर जिंक की चढ़ जाती है, तो वहां भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा आयरन का, वो जिंक की लेयर है वो आयरन को रस्ट से रोक देती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर क्रोमियम की एक लेयर चढ़ाई जाती है, क्रोमियम पे रस्ट नहीं लगता, आपने देखा भी होगा वाटर टैप्स जो होती हैं, साइकिल के जो हैंडल है, ये सब अंदर तो उनमें आयरन ही है लेकिन ऊपर उनके ऊपर एक क्रोमियम की लेयर चढ़ी हुई है जिसको क्रोमो प्लेटिंग कहते हैं, उस
प्रोसेस को, क्रोमियम की लेयर चढ़ाने को, ठीक है। अब ये जो क्रोमियम है, एक तो शाइनी लुक देता है, देखने में बहुत सुंदर चमकीला होता है, दूसरा लोहे को रस्टिंग से रोकता है, यानी कि उस पे जंग को नहीं लगने देता। तीसरा जो मेथड है इसमें अलॉइंग में दो या दो से ज्यादा मेटल्स को या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसमें दो एग्जांपल है, एक तो स्टील में आयरन और कार्बन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, तो उस पर रस्ट नहीं आएगा। एक होता है स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन के साथ निकल और क्रोमियम ये होते हैं, ये भी इस पे रस्ट नहीं लगने देता। स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल तो आपने नाइफ, आपका जो आयरन स्केल है उस पर लिखा हुआ होता है स्टेनलेस स्टील, उससे भी लोहे पे रस्ट नहीं आएगी, जंग नहीं लगेगा। अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस अगला जो मेथड है, वही सेम पेंट की तरह ऑयल और ग्रीस भी क्या कर लेंगे, आयरन ऑब्जेक्ट और एयर और वाटर के बीच में एक लेयर बना देते हैं, जिससे आयरन की सरफेस है वो डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आती और रस्टिंग का प्रोसेस रुक जाता है। तो ये सब प्रिवेंशन है रस्टिंग को रोकने के उपाय हैं कि कैसे रस्टिंग को रोका जाए। अब इसमें एक प्रोसेस और है, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्रिस्टल होते हैं वो सॉलिड प्योरेस्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल सुगर के जो पीस होते हैं, ठीक है, सुगर के जो दाने होते हैं वो, या फिर मिश्री तुमने देखी है फिटकरी के जो पीस है वो, उनकी जो एक शेप होती है वो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। सुगर ग्रेन्स की शेप होती है वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल होती है। यानी कि निश्चित फिक्स शेप होती है, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो क्यूबिक शेप में होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ऐसे ही आप एलम फिटकरी के बना सकते हो, कॉपर सल्फेट के, ठीक है। तो इसमें जैसे फिटकरी का हम बनाए एलम जिसको कहते हो, एलम पे क्रिस्टल्स बनाए, क्या करना पड़ेगा, एक बर्तन में हमने पानी लिया थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नहीं, उसको हमने बॉइल कर लिया और कुछ अमाउंट में उसमें क्या डाला हमने, फिटकरी डाली, किसी भी डाली, एलम ऐड कर देते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, उससे पहले हम इसको छान लेंगे और इतनी फिटकरी ऐड करेंगे इसके अंदर कि उसके क्रिस्टल्स हैं वो बच जाएं, यानी कि वो डिजोल्व नहीं हो कम्प्लीट, जैसे चीनी को घोलते हैं इतनी घोले जाओ लेकिन एक टाइम के बाद वो घुलना बंद हो जाती है, तो वैसे ही फिटकरी तब तक घोलते रहेंगे जब तक वो घुलना बंद नहीं हो जाती। अब इसमें क्या करेंगे, हम छान के इस लिक्विड को और इसमें कुछ क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ऐसे उन क्रिस्टल्स को हम रिमूव करके और पतले थ्रेड की हेल्प से किसी
स्ट्रिप से ऐसे लटका दूंगी बांध के, और इस लिक्विड सॉल्यूशन को हम क्या कर देंगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। फिर वहां से हमें इस तरह के बड़े बड़े जो पीसेस हैं फिट करेंगे एलम के, वो मिलेंगे, क्यूबिक शेप होंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये क्यूबिक शेप बन गया ना। तो ये क्या प्रोसेस कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। नमक के भी आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे, बड़े बड़े क्यूबिक शेप पीस होते हैं फिट करी, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसमें हम, वो पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, एटम की डेफिनेशन। एटम की जो डेफिनेशन है वो स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। पार्ट एलिमेंट जिसमें डिवाइडेड होता है वो क्या कहलाता है, एटम। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का सबसे छोटा जो पार्ट है वो, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल जो स्वतंत्र रह सकता है, एटम वो फ्री भी रह सकता है और नहीं भी, वो किसी कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है और फ्री स्टेट में, लेकिन ये क्या होगा, फ्री स्टेट में होगा। अब जैसे वॉटर में हमने क्या करा, एटम तो एग्जांपल ले लिया हमने, आयरन एटम, गोल्ड एटम, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूल में वॉटर मॉलिक्यूल, दूसरा वॉटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है और ये एटम, जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल। अब आप ये बोलोगे कि एलिमेंट और कंपाउंड होते क्या है, एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको केमिकल प्रोसेस से भी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी कि केमिकल प्रोसेस से भी उनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की डेफिनेशन,
element is substance that cannot be decomposed into simpler substances by chemical means. एक सब्सटेंस जिसको केमिकल तरीके से भी हम सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, जो एक ही तरह के एटम से बना है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा. एग्जांपल इसके हमने ले लिए सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब. इस तरह से नेचर के अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचर में मिले हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं वो साइंटिस्ट ने लैब के अंदर खोजे हैं एलिमेंट. जैसे आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन उनके अल्फाबेट्स कितने हैं? ओनली 26. ऐसे ही नेचर के अंदर ओनली 118 एलिमेंट्स हैं जो कंबाइंड होके, अलग अलग रेशियो में कंबाइंड होके अलग अलग क्या बनाएंगे? सब्सटेंस बनाएंगे. वो सब्सटेंस कहलाते हैं कंपाउंड. तो एलिमेंट्स में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हो, 1 से 20 जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल और उनकी नंबरिंग. नंबर वन पे हाइड्रोजन, इसका सिंबल H. नंबर टू हीलियम, इसका सिंबल HE. नंबर थ्री लिथियम, सिंबल LI. नंबर फोर बेरिलियम, सिंबल BE. नंबर फाइव बोरोन, सिंबल B. सिक्स कार्बन, सिंबल C. सेवन नाइट्रोजन, सिंबल N. एट ऑक्सीजन, सिंबल O. नाइन फ्लोरीन, सिंबल F. टेन Ne. 11 सोडियम, सिंबल Na. 12 मैग्नीशियम, सिंबल Mg. 13 एल्यूमिनियम, सिंबल Al. 14 सिलिकॉन, सिंबल Si. 15 फॉस्फोरस, सिंबल P. 16 सल्फर, सिंबल S. 17 क्लोरीन, सिंबल Cl. 18 आर्गन, सिंबल Ar. 19 पोटेशियम, सिंबल K. और 20 कैल्शियम, सिंबल C. बाकी तो सबके स्टार्टिंग वर्ड है, जैसे हाइड्रोजन में H. अब सेम हो गया हाइड्रोजन और हीलियम का, तो उसका अगला इनिशियल वर्ड जो था HE ले लिया. जैसे बेरिलियम में BE, बोरॉन में B. ये सब कुछ तो उनके स्टार्टिंग वर्ड से उनको सिंबल दिए गए, कुछ उनके साथ सेम होने की वजह से अगला जो इनिशियल वर्ड आ रहा था उससे मैच कर दिया. अब इसमें कुछ डिफरेंट है. सोडियम, सोडियम का नाम तो स्टार्ट हो रहा है ऐसे लेकिन उसका सिंबल N है. पोटेशियम स्टार्ट हो रहा है P से लेकिन सिंबल K. ऐसे ही आयरन मैंने आपको लिखवाया बताया हूं, आयरन का सिंबल Fe. क्लियर? कॉपर सिंबल C. ये जो है ये इनके लैटिन नेम से लिए गए हैं. सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम,
सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम, वहां से इसका सिंबल लिया है Na। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम के। आयरन का लैटिन नेम फेरम Fe। कॉपर का लैटिन नेम क्यूपरम। तो इसका Na, इसका K, इसका Fe और इसका C, ये इनके लैटिन नेम से लिए गए इनके सिंबल। कुछ एक ऐसे भी हैं एलिमेंट्स जो जिनका जहां सबसे पहले पता चला, ओरिजिन जिस कंट्री में हुआ उसी के नाम से, जैसे सिल्वर है चांदी, वो सबसे पहले अर्जेंटीना में पाई गई थी, और एक पोलेनियम, ठीक है, पोलैंड के अंदर, तो उनके नाम उस कंट्री के हिसाब से ही दे दिए गए। जैसे चांदी का जो सिंबल है वो एजी होता है, यानी कि वो कहाँ मिला था, अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। तो ये उनके सिंबल्स हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।